हेलो दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कुछ सी टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर आप ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि एक बीजपत्री बीज के बीजपत्र को क्या कहते हैं। एक बीजपत्री बीज के बीजपत्र को स्क्यूटेलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रमाणित बीज के बोरे पर किस रंग का टैग लगा होता है, यानी कि सर्टिफाइड सीड के थैले पर कौन सा टैग लगा होता है, तो नीला कलर का टैग लगा होता है। अगला प्रश्न है कि प्रजनक बीज की का शुद्धता प्रतिशत कितना होता है, यानी ब्रीडर सीड का शुद्धता प्रतिशत प्योरिटी परसेंटेज कितना होता है, तो ये 100% होता है। अगला है आधारीय बीज फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है, तो आधारीय बीज प्रजनक बीज ब्रीडर सीड के द्वारा से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बीज की एक विशेष मात्रा को कहा जाता है, तो बीज की एक विशेष मात्रा को सीड लॉट कहा जाता है। ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सीड सीड लॉट होता है। अगला प्रश्न है कि किस नमूने पर सभी गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है, तो वर्किंग सैंपल पर सभी गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है, इसे कार्यकारी नमूना हिंदी में कहा जाता है। अगला प्रश्न है आधे से अधिक टूटे हुए बीज को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो इसे प्योर प्योर सीड शुद्ध बीज के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनर्ट मैटर और अदर सीड स्पीसीज को संयुक्त रूप से कहा जाता है, तो इनर्ट मैटर और अदर सीड स्पीसीज को मिलाकर डोकेज कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है कि एक सीड लॉट में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। एक सीड लॉट में जो है प्योर सीड पाया जाता है, इनर्ट मैटर पाया जाता है और अदर सीड स्पीसीज, ये सभी तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग बीज में कौन सा परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग जीवन क्षमता परीक्षण वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओडीवी का पूरा नाम क्या होता है। ओडीवी का पूरा नाम होता है अदर डिस्टिंग्विशिंग वैरायटी। अगला प्रश्न है कि ग्रो आउट टेस्ट संबंधित है, तो ग्रो आउट टेस्ट आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है कि परिपक्व बीजांड कहलाता है, तो परिपक्व बीजांड जो है बीज कहलाता है, बीज को परिपक्व बीजांड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है, तो गेहूं जो है वो एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है। ये सीरियल और मिलेट जितने भी होते हैं ये सभी एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज होते हैं। अगला प्रश्न है कि सीड एक्ट लागू हुआ, तो सीड एक्ट जो है वो 1969 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि CSTL स्थित है, CSTL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये पूसा नई दिल्ली में स्थित है। और अगला प्रश्न है ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर लंबे समय तक जीवित रहते हैं कहलाते हैं, तो इन्हें ऑर्थोडॉक्स बीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रजनक बीज की थैलियों पर किस रंग का टैग लगा होता है, ब्रीडर सीड का जो बैग होता है उस पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो उस पर सुनहरे पीले गोल्डन येलो कलर का टैग लगा सॉरी रंग का टैग लगा होता है। अगला प्रश्न है आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड की थैलियों पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो इस पर वाइट कलर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। अगला प्रश्न है आधार बीज की भौतिक शुद्धता होती है, यानी फाउंडेशन सीड की भौतिक शुद्धता होती है, तो इसकी भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता 99% होती है। अगला प्रश्न है कि आधार बीज तैयार किया जाता है, यानी कि फाउंडेशन सीड जो है किससे तैयार किया जाता है, तो ये प्रजनक बीज ब्रीडर सीड द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि CVRC का पूरा नाम क्या है, तो CVRC का पूरा नाम होता है सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी CVRC का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है अंकुरण में बीजपत्र बाहर निकल आते हैं, तो किस प्रकार के अंकुरण में, तो EPGL ऊपरी भूमिक में अंकुरण में बीजपत्र बाहर निकल आते हैं। अगला प्रश्न है कि बीज के आधार से अलग होने के स्थान पर
दिखाई देने वाला बिंदु क्या कहलाता है? तो जो बीज के आधार से अलग होने के स्थान पर दिखाई देने वाला बिंदु हाइलम कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे बीज जो कम तापमान एवं नमी पर जीवित नहीं रहते हैं कहलाते हैं या उन्हें जाना जाता है, तो उन्हें रिकैल्सिट्रेंट बीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो अदर वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।